नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। नजीबाबाद रेलवे रोड स्थित पुलिस सराय चौकी के सामने एक कंटेनर ट्रक द्वारा बिजली का तार टूटने से रोड पर जाम लग गया। एक स्कूली बस पर तार गिरने से हड़कंप मच गया। स्कूल की बस में बच्चे मौजूद थे, जिनको तत्काल बस से उतार लिया गया और बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचा। पुलिस द्वारा तुरंत विद्युत विभाग को सूचित करने पर विद्युत विभाग द्वारा लाइन कट कर दी गई, जिससे बड़ा खतरा टल गया। ओवरलोड वाहन नजीबाबाद से गुजरते हैं, जिससे बिजली के तार टूट जाते हैं। क्षेत्रीय नागरिकों ने कहा, जो ओवरलोड वाहन हैं, उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। नगर के अंदर उनका प्रवेश नहीं होना चाहिए। बाईपास हाईवे से उनको निकालना चाहिए। आज बहुत बड़ा हादसा होने से बचा है। व्यस्त रोड पर, जहां काफी संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है, वहां पर बिजली का तार टूटकर जमीन पर गिरने से लोगों में भय का माहौल बन गया था। सूचना मिलते ही विद्युत विभाग के कर्मचारी मौके पर तत्काल पहुंच गए और तार को सही कराया। कंटेनर ट्रक को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। नजीबाबाद से अल्ताफ राजा की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? रोहित। कौन से विभाग में आप? बिजली विभाग। क्या है आप? लाइनमैन। जी, क्या हुआ है रोहित भाई? ये अभी एक डंपर आया है, उस डंपर ने जो है हमारे केबिल पे अपना टक्कर मारी है जी। और अभी हम काम चालू कर रहे हैं, लाइट सप्लाई जो है बाधित नहीं होगी जी, लाइन चालू हो जाएगी जी। कोई हादसा तो नहीं हुआ? नहीं, कोई हादसा नहीं हुआ, कोई अनहोनी नहीं हुई। सूचना पे तुरंत आ गए? सूचना पे तुरंत, जैसे ही हमें सूचना मिली तुरंत यहाँ पर मौजूद हो गए। क्या कहेंगे? बस कुछ नहीं, हादसा होने से टल गया है, जो होना था हो गया। कैसे टूटा है तार? ये तार डंपर के टकराने से टूटा है, बस कोई हादसा नहीं हुआ, ये शुक्र है। आपने तुरंत क्या कार्य किया सूचना मिलते ही? सूचना मिलते ही हमने पहले सबसे पहले लाइट बंद करवाई और लाइट बंद करवाने के बाद एकदम तुरंत हम यहाँ पहुँचे। मैं कछाने में रहता हूँ, है ना, मैं किसान आदमी हूँ। और ये जैसे ये लाइन जा रही है, जैसे टूट गई पब्लिक जा रही है, मान लो ये गिर गई या करंट आ जाए तो कोई हादसा हो जाए तो इसमें दुर्घटना बहुत तकड़ी हो जाती है ना, तो इसकी जो ऊपर कराने की जो वो बंदोबस्त की जाए, ठीक है ना। कोई हादसा तो नहीं हुआ? नहीं, कोई अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आने कैसे वाली टूटा है? ये वो ये डंपर जा रहा था, डंपर। अच्छा, डंपर यानी कि ट्रक, उसमें अटक गया है ना। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना इसकी व्यवस्था की जाए, अगर मान लो कोई जो है ना, अगर दुर्घटना मतलब डंपर जाए कोई व्यवस्था नहीं हो पाए, नो एंट्री होनी चाहिए, नो एंट्री होनी चाहिए ना बड़ी गाड़ी, या तो जाम लगना चाहिए यहाँ पे, वो लोहे वाला क्या कहते होते हैं, बैरियर, बैरियर बैरियर जाएगी, छोटे गाड़ी निकला बड़ा नहीं निकला, तो वही मतलब दुर्घटना ना होनी चाहिए, तो अपना सुरक्षित रहेगा मामला। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।